नमस्कार, मैं उषी गास्त्रा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। जैसा आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जन सैलाब उमड़ आया है। जी हाँ, कांग्रेस जो है वो रैली निकाल रहे हैं। ये रैली जो है वो ईडी कार्यालय में लगातार जो पूछताछ की जा रही है राहुल गांधी से, इसको लेकर है। जी हाँ, राहुल गांधी से लगातार चौथे दिन ईडी कार्यालय में बुलाकर जो पूछताछ की जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस जो है वो खासा आक्रोश है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इन्होंने पूरा जुलूस निकाला है और ये जुलूस मोराबादी के जो बाबू वाटिका है वहाँ से ये निकला है। मैं फिलहाल मोराबादी में हूँ, मोराबादी से जुलूस निकल रहा है, ये राजभवन के पास जाएगा, राजभवन के समीप ये जाके खत्म होगा, राजभवन का घेराव होगा। राजभवन के सामने ये कहा जाएगा कि नरेंद्र मोदी, इनका कहना है, आप जैसा सुन सकते हैं इनकी बातें, लोकतंत्र की हत्या को लेकर ये जो लगातार बातें कर रहे हैं, इस पर आप देख सकते हैं मोदी के खिलाफ सबसे ज्यादा जो इन लोगों का गुस्सा है वो मोदी के खिलाफ ही है। जैसे मोदी मोदी मुर्दाबाद जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। देख अब खासकर ये शोर सुन सकते हैं कि मोदी पे काफी गुस्सा है। राहुल गांधी को लेकर आप देख सकते हैं, या बादल पत्रलेख जी को देख सकते हैं, बादल पत्रलेख जी भी साथ में जुड़े हुए कांग्रेस के। इसके साथ ही जी हाँ, ये मार्च जो है वो राजभवन तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस फिलहाल रुक रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी है, वो भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुंजन है। गुंजन जी, क्या कहेंगे आज के रैली के बारे में? देखिए, जो षड्यंत्र मोदी के द्वारा रचा गया है ईडी के आगे करने का, उसको हम तोड़ के रहेंगे। हमारे नेता की हत्या करने की साजिश हो रही है, जिसको हम किसी भी कीमत पे नजरअंदाज नहीं करेंगे। लहू का एक कतरा भी काम आएगा तो हम राहुल जी के लिए बाहर। क्या आपने सुना क्या कहा? ऐसा हत्या करने की साजिश, राजीव गांधी की तरह राहुल गांधी की कह रहे की हत्या करने की साजिश। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आरोप लगा रहे कि राहुल गांधी को मारने की साजिश रची जा रही है। ईडी तो सिर्फ एक बहाना है, इनका भी हाल राजीव गांधी जैसा करना है। इस तरह की बातें सामने आ रही है। आपको बता दें, बड़े बड़े मंत्री और जो अध्यक्ष राजेश ठाकुर है, प्रवक्ता है, ये सब जुड़ चुके हैं, और भी बड़े मंत्री राजभवन पास आने की आशंका जताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन आता है राजभवन के पास। क्या कहना चाहेंगे जी मैम? आज ईडी द्वारा जबरन हमारे नेता, हमारे भैया राहुल गांधी को परेशान करने की साजिश से हमारे कार्यालय में जाके मुंबई पुलिस द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा जाके मनमानी धमकाया जा रहा है। हमारे राहुल गांधी को डराया जा रहा है और तोड़फोड़ के भी घटना सामने आ रही है, उसको लेकर हम लोग मोदी जी तानाशाही हो गए हैं। तो आपने सुना कि क्या कहा उन्होंने? तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा कि मोदी जो है वो तानाशाही हो गए। आप ये शोर शराबा सुन सकते हैं, बहुत आक्रोश में है कांग्रेस कि राहुल गांधी के साथ जाती हो रहा है, ये बातें कह रहे हैं वो। इसके साथ ही हम आपको कुछ और कांग्रेस के जनों के हम आपको बयान अभी थोड़ी देर में सुनाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बातों को विराम देते हुए ये कहती हूँ कि राजभवन तक ये मार्च तो जाएगा ही, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी को जो लगातार पूछताछ चल रही नेशनल हेराल्ड केस में, इसको लेकर कहीं ना कहीं जब सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस पे हावी हो रही है, बीजेपी कांग्रेस पे हावी हो रही है, तो बीजेपी कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है राहुल गांधी का बचाव करने के लिए। आज पूरा जन सैलाब जो है वो सड़क पर उतर आया है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका नतीजा क्या होता है और राहुल गांधी को आने वाले समय में राहत मिलती है कि नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।